एवरीवन, जो आपको ये प्लांट मेरे हाथ में दिख रहा है ये मकोए का प्लांट है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो सोलेनम निग्रम होता है, और ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसका नाम है सोलेनेसी फैमिली, यानी कि दिस प्लांट बिलोंग टू सोलेनेसी फैमिली एंड नाइट सेट प्लांट भी बोलते हैं और पोटेटो फैमिली भी बोलते हैं। इसका जो रूट होता है वो टैप रूट अथवा एडवेंटिशियस रूट होता है, और जो इसका स्टेम होता है वो ग्लैबरस होता है, मींस कोमल होता है ना, कोमल होता है। और इसका जो लीफ होती है इसमें टू काइंड्स ऑफ लीफ प्रेजेंट होती हैं। पहला जो होता है जो मेन ब्रांच से लगा होता है उसे बोलते हैं काउलाइन लीफ। काउलाइन लीफ जो आपका होता है वो मेन ब्रांच से लगा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग ये, और जो शाखा से निकल कर लीफ लगी होती है उसे रैमल लीफ बोलते हैं। इसमें जो फ्लावर होता है ये फ्लावर हर्माफ्रोडाइट होता है, मींस मेल एंड फीमेल बोथ आर इंक्लूडिंग, यानी कि ये हर्माफ्रोडाइट मेल फीमेल दोनों एक ही में होता है, यानी कि बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। इसका जो फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल होता है, और ये आपको जो दिख रहा है इसमें ग्रीन कलर का जो है फ्लावर के नीचे, इसे बोलते हैं कैलिक्स। और इसमें जो आपको ये कैलिक्स जो होता है, ये कैलिक्स आपका गैमोसिपैलस होता है, मींस ये एक ही में जॉइंट होते हैं। और जो आपको पेटल दिख रहे हैं ये सफ़ेद कलर के, इसमें कितने पेटल हैं, 1 2 3 4 5 पेटल हैं, है ना। तो इसमें 5 पेटल होते हैं और एक ही में जॉइंट है पेटल, इसलिए ये गैमोपिटैलस है ना, गैमोपिटैलस होते हैं। और इसमें जो आपको येल्लो कलर का दिख रहा है ये है एंड्रोइशियम, मेल पार्ट उसका होता है, और बीच में इसको इस तरह से करने पर हम देखते हैं ये गायनोशियम इसके अंदर होता है जो फीमेल पार्ट होता है। और इसका जो आपको फ्रूट दिख रहा है ये बेरी अथवा कैप्सूल होता है, और जो रैपेंट हो जाता है मतलब पक जाते हैं, तो आपको ये आपका मतलब पकने के बाद ये आपके डार्क दिखने लगते हैं। और फिर इसमें जो पॉलिनेशन होता है बेटा, वो पॉलिनेशन इंसेक्ट द्वारा होता है, यानी कि एंटमोफिलस होता है ना, इंसेक्ट द्वारा। इस